दोस्तों आज की तारीख में स्पीकर्स की सबसे बड़ी कंपनी है बोस। जब भी बात आती है ईयरफोन्स की, स्पीकर्स की बेस्ट क्वालिटी होती है बोस की। हालांकि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन घर हो या कार आप कहीं पर भी बोस स्पीकर्स को यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि बोस कंपनी की शुरुआत एक इंडो अमेरिकन ने ही करी थी। मैं बात कर रही हूं अमर जी बोस की, जो कि काम किया करते थे MIT यूनिवर्सिटी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर। इन्होंने एक दिन एक स्टीरियो सिस्टम खरीदा, लेकिन उसकी क्वालिटी इन्हें इतनी ज्यादा बर्बाद लगी कि इन्होंने खुद साउंड पर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी शुरू कर दी और फिर फाइनली 1966 में अपना पहला स्पीकर इन्होंने लॉन्च किया। हालांकि ये स्पीकर ज्यादा कुछ चला नहीं। फाइनली 3-4 साल के बाद में जब ये ब्लूटूथ स्पीकर्स और लाउड स्पीकर मार्केट में एंटर हुए, तब बोस के प्रोडक्ट्स की धूम मच गई। इनकी क्वालिटी साफ साफ बेस्ट इन द इंडस्ट्री निकल करके आ रही थी। आज की तारीख में बोस $3.5 बिलियन से भी ज्यादा की बड़ी कंपनी है और 7,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी बोस स्पीकर्स के थ्रू म्यूजिक सुना है या फिर आपके पास में बोस स्पीकर्स और ईयरफोन्स हैं और आपको उनकी क्वालिटी बाकियों के कंपैरिजन में कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।